गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे सुबह के 12:23 बज रहे हैं, आप देख सकते हो। और अभी मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और अभी जस्ट मैं नहाई और पूजा की, अभी बिंदी लगाना है, भूल गई। तो चलिए मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। अभी ये सीज़न का जो गाजर होता है बहुत मीठा होता है ना, तो मैंने सोचा छोड़ो सीज़न का फर्स्ट वाला गाजर, वही तो सीज़न निकल ही रहा है, आधा निकल ही गया है, लेकिन तो भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाया सीजन वाले गाजर से हलवा। एक मिनट, ठीक है, मस्त वाला गाजर का हलवा। इसमें मैंने ना थोड़ा सा ही दूध ऐड किया, ज़्यादा दूध वाला नहीं बना रही हूँ, और देख सकते हो आप मस्त। और मैंने इसको घिस के लिया है, जिससे अदरक घसते ना उसी से घिस के लिया है मैंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। बना रही हूँ गाजर का हलवा, फिर दाल और चावल बनाऊंगी। सुबह नाश्ते में मैंने डोसा बनाया था, जिसका बैटर अभी यहाँ पे थोड़ा सा रखा है, यहाँ पे जल्दी फर्मेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ठंडी बहुत है, इसलिए तो 2 दिन से भिगा के रखी थी, तो आज मुझे लगता है 30% वो फर्मेंट हुआ, तो मैंने डोसा बनाया। वैसे तो नहीं फर्मेंट होगा तो भी डोसा बनता है, लेकिन एक होता है ना कि फर्मेंट होगा तो थोड़ा अच्छे से बनता है। अरे पता नहीं क्लियरिटी कैसी आ रही है। तो फिलहाल जस्ट नहाई, ब्रेकफास्ट किया, नहीं पूजा किया और ब्रेकफास्ट की, और एक गाजर घस के रखी थी। मैं सोचा चलो हलवा बना के रख देती हूँ, ठंडी में ख़राब नहीं होगा, कभी भी खा सके, फ्रिज तो है नहीं कि उसके अंदर स्टोर करूँगी। तो इसके लिए बहुत मन हो रहा था गाजर का हलवा खाने के लिए, तो अभी ये बना लेती हूँ। और अभी दाल राइस रख देती हूँ फटाक से, क्योंकि मुझे बनाना है आज मुखबंग के लिए दाल राइस, आलू भरता और टमाटर की चटनी। हाँ, मैं टमाटर दिखा दूँ जो कल खेत में से तोड़ के आया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इतना सारा टमाटर एक खेत में से तोड़ के आया है, और ये अनार, और मंदिर में पूजा हो गई, अभी तक मेरा मंदिर ऊपर नहीं लगा, ये विसर्जन करना है यहाँ पे जो रखा है। ये टमाटर देखिए कितने मस्त अच्छे अच्छे बड़े बड़े हैं, अभी कच्चे हैं थोड़े, इसके लिए मैंने ऐसे डाल के रखे हैं। खेत में से तोड़ के आए, जिसका वीडियो ऑलरेडी आप लोग ने देख लिया है, शॉर्ट वीडियो। तो अभी मैं फिर कभी जाऊँगी खेत में तो तोड़ने जाऊँगी, मैं खुद तोड़ने जाऊँगी। अभी तो मैंने दूसरे से मंगाया तोड़ के, दीदी के गाँव में है ये खेती, तो वहाँ से मैंने मंगाया है। जब मैं जाऊंगी तो वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। तो चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि मुखबंग वीडियो बनाना है मुझे। और यहाँ पे मैंने सोचा था आलू भरता बनाऊंगी, बट यहाँ पे आलू फ्राई बना रही हूँ, देख सकते हो मैंने फ्रेंच फ्राइज शेप में कट किया है ऐसे। और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, सूखी लाल मिर्ची, ज़ीरा नहीं डाला है, सूखी लाल मिर्ची और खाली अपना ये नमक हल्दी डाला है। और यहाँ पे हम दोनों सैंडविच खा रहे हैं शाम के टाइम, कुछ नहीं बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे हम लोग। और उसके बाद से मुझे पार्सल भी पैक करना है, तो जस्ट ऐसे ही हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता करने के बाद से मैं पार्सल पैक करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा पार्सल पैक हो चुका है। ये वीडियो शायद आपसे एडिटिंग चैनल पे देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले का ये वीडियो है, और एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ। आज है 13 तारीख, शायद से 13 या 12 तारीख कुछ तो है। और यहाँ पे मीशो से मेरा एक पार्सल आया है, और ये बर्तन रखने वाला छोटा सा मैंने स्टैंड मंगाया, मतलब वो जो बर्तन रखते हैं ना वो मैंने मंगाया है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी वो बज रहे शाम के 7:30, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि 9:10 बज गए, और फिलहाल मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ये वाला कान ना बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से दर्द हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर्दी की वजह से। मैंने सोचा था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी डॉक्टर के पास जाऊँ। और लाइट थोड़ी सी कम है, आप देख सकते हो छोटा वाला लाइट लगाया है मैंने, इसके लिए आपको अंधेरा दिख रहा है। इसका फ्लैश लाइट ऑन किया है तो अभी आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी। मतलब इतना ज़्यादा ये साइड का कान दुख रहा है ना, राइट साइड का, कि कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। और ये टाइम पे तो अभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज है थर्सडे, देखती हूँ कल मॉर्निंग में जाऊँगी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। और बारिश हो रही है इस समय बहुत ज़्यादा गुजरात में, और कल रात से ही बारिश चालू हो गई है, और उसके वजह से और ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, और उसके वजह से और ज़्यादा और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और अभी भी देखो मैं कंबल में ही लेटी हूँ, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते ठंड का, देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर देते, वीडियो तो पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन रहा नहीं जा रहा है। अभी ड्रॉप लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ वही समझ में नहीं आ रहा, अकेले रहते हैं ना तो यही तकलीफ़ हो जाती है। यहाँ पे कोई ऑनलाइन सर्विस भी नहीं है, वहाँ पे थी तो ऑनलाइन मंगा लेती थी मेडिसिन और सारी चीज़ें, लेकिन अभी हर चीज़ के लिए मुझे नीचे उतरना होगा,
चौथे माले पे रहती हूँ, फोर्थ फ्लोर पे लिफ्ट नहीं है, चल के जाना है, सबसे बड़ा दिक्कत हो गया है। दिक्कत मतलब फोर्थ फ्लोर है लेकिन दिखता नहीं है, फोर्थ फ्लोर है, सीढ़ियाँ काफ़ी छोटी छोटी हैं लेकिन अच्छी खासी है, लेकिन अभी उतरा उतरेगा कौन, बारिश हो रही है, तो वही सोच रही हूँ। और यहाँ कोई पेन किलर भी नहीं है, मैंने लाया नहीं वहाँ से पेन किलर, तो वही बैठ के रो रही थी, ये ज़्यादा दुख कर रहा है मुझे। दीदी ने बोला था 2 दिन पहले ही कि तू दवा खाना चली जा, लेकिन मैं नहीं गई, मैं सोची ठीक हो जाएगा, तो फिलहाल सोच रही हूँ कि मुझे मेरी फ्रेंड है उसे स्टीमर लेके स्टीम ले लेती हूँ, देखती हूँ कितना आराम होता है। मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जब भी मतलब थोड़ा सा भी ठंडा या कुछ चालू हो जाएगा ना, तो मुझे सर्दी, गला और कान सब पकड़ लेता है, लेकिन इस समय तो ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है अंदर सूजन आ गया है कि क्या, नहीं पता, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है मुझे। तो देखती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो एक्टिवा पे जाके दवाई लेके आती हूँ, और कल डॉक्टर के पास दिखा के आऊँगी, सर्दी का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो देखते, कोई नहीं, होता रहता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, कुछ बनाऊँगी। तो सुबह बनाया था मैंने राइस, और ये ब्लॉग चल रहा है 2 दिन से, राइस बनाया था और आलू की भाजी बनाई थी, और क्योंकि दर्द हो रहा था ना तो मैं सोची खिचड़ी लगा दूँ, लेकिन खिचड़ी फिर खाने का इच्छा नहीं हो रहा था, 2 बार से खिचड़ी बना के खा रही हूँ, नहीं सोचा चलो आज कुछ चटर, सर्दी की वजह से मुँह में टेस्ट नहीं लग रहा है, मुकबंग वीडियो बनाने के लिए सोच रही हूँ, तो सर्दी खांसी खाना खाने बैठती हूँ तो इतनी ज़ोर ज़ोर से खांसी आती है कि मतलब क्या मुकबंग वीडियो बनाऊँगी, जैसे तैसे तो एक मुकबंग वीडियो बनाई थी, देखते हैं कल है फ्राइडे, कल कुछ नॉनवेज ला के उसका सूप वगैरह पीती हूँ थोड़ा सा, तो देखते कितना आराम होता है। तो चलिए मिलते थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद या कल सुबह, जैसा आराम लगेगा वैसे मिलूँगी। और यहाँ पे मित्तल बहन ने बनाया है दाल बाटी, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, नहीं पता। और मैंने यहाँ पे बनाया था देखो चावल, जो कि ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, और यहाँ पे गाजर का हलवा जो कल बना रही, कल क्या इसी में बनाया था, और ये दीदी मेरे लिए फ्रूट कट करके गई है, निकाल के गई है, और यहाँ पे सब्जी देखो, फिलहाल अभी ये खाने का मूड नहीं है, फिलहाल अभी ये खाया जाएगा, क्योंकि और राइस खाऊंगी ना तो तकलीफ़ हो जाएगी मुझे, तो अभी तो ठंडी इतनी है कि ख़राब नहीं होगा वो चीज़ें, चलिए इसे खाते हैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, आराम से बैठ गई हूँ, खा लेते हैं फटाक से। और सेम वही ड्यूटी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मुझे और भी पार्सल निकालने थे, इस समय मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मैं पार्सल निकाल रही हूँ। और गुजरात का नाको मार्ट का वीडियो मैं ईटिंग चैनल पर डालूंगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, वीडियो में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए। गाइस गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग मतलब अभी 11:30 हो रहा है, तो बैठी हूँ अभी आराम से, रात को तो मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, खाना पीना खा के सो गई, पेन किलर लिया, बट अभी काफ़ी हद तक आराम लग रहा है, लेकिन तो भी एक बार जाके ना डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि हमेशा ही सर्दी होता है तो मुझे ना ये दोनों साइड दर्द होने लगता है। तो अभी बैठी हूँ, अभी मुकबंग वीडियो के लिए थोड़ी सी पूरियाँ बनानी है तो वो बनाऊँगी, और अकेले होना क्या बनाऊँ क्या नहीं, दिया भी गई है उसका थोड़ा सा एग्ज़ाम का चल रहा है, तो अभी गई है वो अपने घर, तो आएगी वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अकेले रह रही हो तो, बट कुछ बनाने के लिए ना बड़ा कंटाला आता है, तो इसके लिए अभी सोचा चलो मुकबंग वीडियो बनानी है तो थोड़ा उसके लिए कोई डिश बना लेती हूँ, और फिर नीचे जाके सब्जियाँ लेके आती हूँ, थोड़ा सा फ्रिज नहीं है तो फिर सब्जियाँ रखूँ किधर, इसके लिए रोज़ का रोज़ ही सब्ज़ी लेके आके बना लेती हूँ। तो फिलहाल तो 2 दिन से सब्ज़ी नहीं लाई थी, टमाटर जो खेत में से आया था वो तो पड़ा ही है, और गाजर का हलवा बनाया था अभी वो थोड़ा सा है, मैंने बोला था ये ब्लॉग 2 दिन से चल रहा है, तो सब्ज़ी मैं सोच रही हूँ ना आज फ़िश भी लेके आती हूँ, मैंने आपको कल रात को बोला था कि थोड़ा सा नॉनवेज खाती हूँ मैं, तो फ़िश लेके आऊँगी, तो मुकबंग वीडियो बनाऊँगी फ़िश की, बहुत नॉनवेज वाली वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद आती है मुझे पता है, वेज वाली इतना सबको पसंद नहीं आती है, तो आज खाने वाली हूँ मतलब मुकबंग वीडियो में बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी और पूरी और राइस और टमाटर की जो चटनी होती है वो, और देख रही हूँ अंडे वगैरह कुछ लेके आऊँगी, तो यहाँ पे एक कॉल आ रहा है, मैं ज़रा कॉल रिसीव करके फिर आपसे बात करती हूँ। कॉल कट गया, मैं उठा भी नहीं पाई, पैटर्न खोलने जाते हैं तब तक कॉल कट जाता है, तो यही सब चल रहा है, और आँखें सूजी सूजी लग रही है क्या, आप लोग कमेंट करके बताऊँ, ऐसे तो जी।
ज़्यादा नहीं लग रहा है, और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, थोड़ा सा धूप निकला है तो यहाँ बैठी हूँ, लेकिन शॉल नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। धूप निकल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ठंड तो है ही। और क्या, और कुछ नहीं, तो अभी ये ब्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग में कुछ खास तो था नहीं, लेकिन आपको डेली अपडेट करना है मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और अभी मुझे पार्सल पैक करने हैं, अभी नया ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो जब नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो उसमें वो सारा जो भी बनाऊँगी वो दिखाऊँगी। तो आई होप आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले देखने को मिले। और भी चैनल है मेरे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और क्या, और कुछ नहीं, फिर डॉक्टर ने क्या बोला वो बाद में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। मिलती हूँ बाद में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।